Good morning, students. You are welcome in RC Education Hub. Let us continue the chapter that is integumentary system. एक lecture जो है मैंने last time भी deliver किया था integumentary system का. अब आज जो है अपन बात करने वाले हैं second lecture की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि epidermis जो है कौन कौन से layers में consist हो रही है. तो integumentary system के अंदर अपन mainly बात की थी skin की. किसकी बात की थी? Skin. और skin के ऊपर जो भी structures पाई जा रही हैं, dryoid structures, उन सब की बात की थी. डेरिवेटिव्स, स्किन डेरिवेटिव्स. ओके, इंटरमेंटरी सिस्टम के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट द स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स. स्किन के ऊपर कौन कौन सी एसेंशियल स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, इन दोनों चीजों से डील करने वाला जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरमेंटरी सिस्टम. इंटरमेंटरी सिस्टम के अंदर जो स्किन होती है वो नॉर्मली किससे ओरिजिनेट होती है? एक्टोडर्म से. बट इसका एक पार्ट ऐसा भी होता है जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है. दैट अभी हम बात करने वाले हैं कौन सा पार्ट मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है. और इसकी स्किन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्किन डेरिवेटिव्स. जो भी स्ट्रक्चर्स स्किन के ऊपर पाई जा रही हैं, दो आर सीक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स एंड एनीथिंग एल्स, दो आर कलेक्टिवली नोन एज स्किन डेरिवेटिव्स. इनको अपन क्या बोलते हैं? स्किन डेरिवेटिव्स. तो स्किन जो है बेसिकली तीन लेयर से इनकी कंसिस्ट होती है. दो कहीं पे दो दे रखा है, कहीं पे तीन दे रखा है. एज यू इट इज डिपेंड्स ऑन यू, आप तीन समझना चाहते हो या दो समझना चाहते हो. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस. इसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं डर्मिस. और इसके नीचे जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस. के नीचे जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस. एपिडर्मिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड दैट इज विजिबल. जो आपको दिख रही है दैट स्किन यू आर एबल टू सी, दैट इज एपिडर्मिस. ओके, इसके नीचे बिनेफिस लेयर जो लेयर पाई जा रही है दैट इज नोन एज डर्मिस. और डर्मिस के नीचे भी जो लेयर पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस. ओके, ये जो एपिडर्मिस है this is ectodermal in origin. कौन सी लेयर से, सॉरी कौन सी जर्म लेयर से कंसिस्ट हो रही है? एक्टोडर्म से. इट इज कंसिस्ट और फॉर्म बाय एक्टोडर्म. कहीं पे जो है ये बहुत ज्यादा थिकर होती है, कहीं बहुत ज्यादा थिनर होती है. इफ यू टॉक अबाउट पाम, पाम की अपन बात करें, इसके अलावा सॉइल की अपन बात करें, इनके अंदर बहुत ज्यादा थिकर होती है. और अपन बात करें आईलिड, यहाँ पे बहुत ही क्या होती है, पतली होती है. यहाँ पे थिकर और यहाँ पे बहुत ज्यादा पतली थिनर. राइट, तो कहीं भी मोटी होती है, कहीं पे पतली होती है. ये जो एपिडर्मिस है इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स. पांच लेयर से इनकी कंसिस्ट होती है. और बात करें नंबर वन, दैट इज स्ट्रेटम, स्ट्रेटम मैल्पिगी. नंबर सेकंड इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. नंबर थर्ड इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. नंबर फोर स्ट्रेटम लुसीडियम. एंड नंबर फिफ्थ स्ट्रेटम कॉर्नियम. ओके, ये पांच लेयर से मिलकर कंसिस्ट होती है. सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वी कैन सी ऐसी लेयर जो डर्मिस के ऊपर पाई जा रही है. किसके ऊपर पाई जा रही है? डर्मिस के ऊपर पाई जा रही है. दैट लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम मैल्पिगी. अपन अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखना. और ऐसी लेयर जो मैल्पिगी के ऊपर पाई जा रही है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. ऐसी लेयर जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम लुसीडियम के बीच में पाई जा रही है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. ऐसी लेयर
जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम के बीच में पाई जा रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम लूसीडियम। और ऐसी लेयर जो सबसे बाहर पाई जा रही है, दैट इज विजिबल, जो अपन को दिखाई दे रही है, दैट लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि एपिडर्मिस की कौन सी लेयर है जो कि विजिबल है, जिसको अपन देख सकते हैं, दैट लेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एपिडर्मिस का ऐसा कौन सा पार्ट है, दैट इज लिविंग, दैट इज स्ट्रेटम मेल्पिगी। ये चार लेयर जो होती हैं, इन चार लेयर के अंदर कैरेटिनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैरेटिनाइजेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैराटिन प्रोटीन, डिपोजिशन ऑफ कैराटिन प्रोटीन। इन चारों लेयर के अंदर जो है कैराटिन प्रोटीन डिपोजिट होने लग जाती है, और डिपोजिट होने की वजह से जो है सारे पार्ट कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटम मेल्पिगी जो है, दिस इज अ लिविंग पार्ट, इट इज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दीज फोर लेयर्स। ये सारी लेयर का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। ये सारी के सारी लेयर जो है मल्टीपल लेयर होती है, हर किसी के अंदर चार से पांच लेयर पाई जाती है, 4 to 5 layers। हर किसी में क्या पाई जा रही है, चार से पांच लेयर पाई जाती है। बट ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 layers। इसके अंदर कितनी पाई जाती है, 10 to 12 layers पाई जाती है। इस तरीके से जो है सारी की सारी लेयर्स आपस में मिलकर किसको कंसिस्ट कर रही है, एपिडर्मिस को कंसिस्ट कर रही है। अगर कोई पूछे कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके अंदर वाली कौन सी होती है, स्ट्रेटम लूसीडियम। उसके अंदर वाली कौन सी होती है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। और उसके अंदर वाली कौन सी होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम मेल्पिगी। सारी की सारी लेयर 4 to 5 layers से कंसिस्ट होती है। इन चार लेयर के अंदर या आउटर मोस्ट चार लेयर जो होती है, इनके अंदर कैरेटिनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैरेटिनाइजेशन इन द सेंस द डिपोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ कैरेटिन प्रोटीन। कैराटिन प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज कैराटिनाइजेशन। कैराटिन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से कैसे हो जाती है, डेड हो जाती है, राइट। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा थिकर पाई जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा थिनर पाई जाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है थिकर तो कहाँ पे पाई जाती है, पाम और सोल्ड के अंदर पाई जाती है, और थिनर कहाँ पाई जाती है, आईलिड के अंदर पाई जाती है। इस तरीके से जो है एपिडर्मिस कंसिस्ट होती है। एपिडर्मिस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है स्ट्रेटम मेल्पिगी, विच इज सिचुएटेड ऑन डर्मिस। किसके ऊपर सिचुएटेड होती है, डर्मिस के ऊपर। दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑन विच स्ट्रेटम मेल्पिगी इज सिचुएटेड। ऐसी मेम्ब्रेन जिसके ऊपर स्ट्रेटम मेल्पिगी सिचुएटेड है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं डर्मिस की। डर्मिस जो है, दिस इज मच थिकर एज कंपेरेबल टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की थिकनेस से बहुत ज्यादा थिकर होती है कौन सी वाली लेयर, डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर डर्मिस के अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ऑल थिंग्स आर सिचुएटेड इन डर्मिस। और इसके अलावा डर्मिस जो है, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजन। ये किससे ओरिजिनेट होती है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। दिस इज ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, ओके। और इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट पिगमेंट इज मेलानिन, व्हिच इज प्रोवाइडिंग कलर टू आवर बॉडी, ओके। इसी के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। डर्मिस जो है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर वन इज कैपिलरी लेयर, एंड नंबर सेकंड इज रेटिकुलर लेयर। कैपिलरी लेयर कौन सी होती है, ऐसी लेयर जो कि मेल्पिगी के साथ में सिचुएटेड है।
ऐसी लेयर जिसके ऊपर स्ट्रेटम मेलपेकी सिचुएटेड है, दैट लेयर इज नोन एज पैपिलरी लेयर। और ऐसी लेयर जो पैपिलरी लेयर के नीचे पाई जा रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लेयर। दोनों लेयर के अंदर जो है ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यूज पाए जाते हैं, और इन्हीं के अंदर जो है मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, और बहुत सारी क्यूटेनियस ग्लैंड्स जो है, बहुत सारी क्यूटेनियस ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं डर्मिस की, इन दोनों लेयर के अंदर, पैपिलरी लेयर के अंदर और रेटिकुलर लेयर के अंदर। अब सबसे लास्ट वाली जो लेयर है दैट इज द हाइपोडर्मिस व्हिच इज बीनेथ द डर्मिस। हाइपोडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यूज, एंड एरियोलर टिश्यूज। हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनी हो रही है? दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ एडिपोज टिश्यूज एंड एरियोलर टिश्यूज। दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द स्किन। अपर मोस्ट इज एपिडर्मिस, लोअर मोस्ट इज हाइपोडर्मिस, एंड मीडिएट इज डर्मिस। एपिडर्मिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स, स्ट्रेटम मेलपेकी, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम, लूसीडियम एंड कॉर्नियम। डर्मिस इज अ लिविंग लेयर विच इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूटेनियस ग्लैंड्स, एंड it is containing a pigment that is melanin, and melanin is synthesized by melanocyte। कौन से सेल सिंथेसाइज करती हैं इसको? मेलानोसाइट सेल्स जो है सिंथेसाइज करती हैं इसको। इसके बाद में इसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, सबसे अंदर जो है हाइपोडर्मिस पाई जाती है। तीनों लेयर्स आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? स्किन बना रही हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। इसके बाद में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन, जिसके अंदर दो डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। नंबर वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, बालों के स्ट्रक्चर, और इसके अलावा नंबर सेकेंड इज क्यूटेनियस ग्लैंड्स। नंबर सेकंड इज क्यूटेनियस ग्लैंड्स, कि अपनी स्किन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, क्या सीक्रेट कर रही हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, उसके बाद में योर चैप्टर विल बी ओवर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्किन एंड द लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।